हाँ जी, स्वागत है सैवंथ क्लास के विद्यार्थियों का। अज आप सैवंथ क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करांगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिहदा मतलब हुंदा है राशियां की तुलना। जिहड़ा ये वर्ड है कंपेरिजन, इहदा भी मतलब, कंपेरिजन का मतलब हुंदा है आपां जदों किसी दी, जदों आपां दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, मतलब कि आपां तुलना करते हैं। तो इस लैसन दे विच आपां ने हर एक चीज़ की जिहड़े भी क्वेश्चन आएंगे आपां कंपेरिजन करना है। असल दे विच कंपेरिजन का मतलब की हुंदा है, कंपेरिजन दे विच जदों भी किसी दो चीज़ों का कंपेरिजन होगा उत्थे आपां एक टर्म यूज़ करते हुंदे आ जिहनूं बोलदे आ आपां रेशो। जिथे कंपेरिजन आ गया उत्थे आपां इस चीज़ नूं यूज़ करदे आ रेशो नूं, RATIO। इहनूं पंजाबी दे विच आपां जे आपां इहनूं गल करिए इहनूं बोलदे आपां अनुपात। तां रेशो ते अनुपात इक्को ही चीज़ ने, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो आप दोनों चीज़ों का आप यूज़ करांगे इस लैसन दे विच। तां हुण आपां ने इस लैसन दे विच कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ नूं करने, ये क्वेश्चन करने ने। सब तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, तो उतों आप स्टार्ट करते हैं। तो ये आप सब तो पहले जी मेन गल याद रखनी है, जो कंपेरिजन होंगे वह दो सेम, मतलब कि दोनों जोड़े जी दोनों की, मतलब कि यदा मतलब की है, जिमें एक पास आप रूपीज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं तो दूजे पास भी रूपीज़ का कंपेरिजन होगा। जे एवं नहीं है कि इधर आप पैसे लगा देंगे, ठीक है जी, पैसे नाल कंपेरिजन नहीं कर सकते आप रूपीज़ का, ठीक है जी। हुण मान लो आप कह दिए भी एक बच्चे को 100 रूपीज़ ने, एक को 100 पैसे ने, तो यह चीज़ें दोनों इक्वल नहीं है। तो सब तो पहले आपां नूं इस चीज़ नूं करन वास्ते रूपीज़ नूं पैसों चेंज करना पवेगा या फिर पैसों नूं रूपीज़ चेंज करना पवेगा, फिर आप कंपेरिजन कर सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल दो सेम क्वांटिटीज़ का ही की होगा कंपेरिजन होगा, मतलब कि आप रेशो पता कर सकते हैं उन्होंने। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सुनो ये गल क्वेश्चन तो बहुत चंगी तरह समझ लग जूगी। जिवें क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ये आप गिवन है फाइंड द रेशो ऑफ, कि रेशो पता करनी है 5 रुपीज़ टू 50 पैसे की। आपने 5 रुपए की रेशो पता करनी हैगी 50 पैसे नाल। देखो जी किवें करांगे, सब तो पहला आपां नूं मेन जिहड़ी चीज़ है, आपां नूं पहला जिहड़ी यूनिट है ये सेम करनी पैनी है। उरे हैगा रूपीज़ लिखा होया, उरे लिखा होया पैसे लिखा होया। तो हुण आपां पहला रूपीज़ नूं पैसों दे विच चेंज करांगे। तो आप लिखांगे 5 रुपीज़ इक्वल टू, हुण आपां नूं पता है भी 1 रुपए दे विच 1 रुपी दे विच 100 पैसे होंदे ने, तो 5 रुपए दे विच किन्ने पैसे बन जाणगे 500 पैसे। मतलब कि अपने कंपेरिजन किदा किदा करना है, 500 पैसे का कंपेरिजन करना है अपने 50 पैसे न। तो आप कंपेरिजन करने लिए की कर देंगे, 500 वटे 50 कर देंगे, तो उरे 500 पैसे सी उरे 50 पैसे सी, तो पैसे नाल पैसे आप कैंसल कर देंगे, 0 नाल 0 कैंसल हो जूगी। तो इन 5 के टेबल पर जो आप कैंसल करिए उरे 10 आ जूगा, उरे आ जूगा 1। तो यह आ गया 10:1, मतलब कि जे आ चीज़ 1 है, ये चीज़ तो 10 टाइम्स है, ये मतलब की है भी आ चीज़ तो 10 गुणे है। मतलब कि जो 5 रुपए ने वो 50 पैसे दे तो की ने 10 गुणे ने, ठीक है जी। मतलब कि जो 50 पैसे आप 10 बार लवेंगे तो जाके 5 रुपए बनेंगे, यदा मतलब ये है। तो अगे देखो जी यदा बी पार्ट आए, तो कॉपी तो उतारन वास्ते क्वेश्चन तुसी कर सकते हो, उरे लिखे हुए ने सारा सल्यूशन। हाँ जी, अगे बी पार्ट देखो, ये की है 15 किलो का कंपेरिजन करना अपने 210 ग्राम का। हुण तुसी उरे एक चीज़ देखो, आपां कंपेरिजन करना है 15 किलो का 210 ग्राम का। हुण चाहे उरे 210 है तो उरे 15, पर तां भी दोहां दे विच्चों बड़ा कौन हैगा, आपां नूं ये चीज़ देखनी पवेगी। हुण आपां नूं ये आपां देखांगे जदों आपां किलोग्राम नूं ग्राम दे विच चेंज कर दांगे, क्योंकि इधर ग्राम ने तो आपां नूं इधर भी ग्राम लैके आने पैणगे। तो आपां पता भी 1 किलोग्राम दे विच किन्ने ग्राम हुंदे ने, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 15 किलोग्राम दे विच किन्ने ग्राम होणगे, 15000 किलोग्राम, ठीक है जी। तो मतलब कि 15 किलोग्राम की जगह पर की आऊगा 15000 ग्राम। तो 15000 ग्राम का आपने कंपेरिजन करना है कि करना है 210 ग्राम के नाल। तो आप इनू डिवाइड च लिखांगे 15000, इनू इक्वल टू पा देंगे आ, ठीक है जी, 15000 210 नीचे 0 नाल 0 कैंसल हो जू। मैं ग्राम ता नहीं पाए क्योंकि ग्राम ना ग्राम भी कैंसल हो जाए, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज हो गई, मतलब कि जेडे इन्हां दे यूनिट ने वो सेम हो गई। तो हुण 1500/21 रह गया उरे, आप इहनूं थोड़ा जिहा साफ लिख लैंदे आ, 1500/21। तो हुण आपां नूं पता भी ये दोनों 3 दे भाटे दे कटणगे, 3 5
15 300 300 3721 तो 500:7 लिखांगे आपां इहनूं, क्योंकि उपर 500 बच गया, नीचे बच गया 7, तां इह बच जूगा 500:7। तां अपने कोल इहनां दी रेशो बन जूगी 500:7। आ सी अपने कोल बी पार्ट दे विच। नैक्सट देखो जी सी पार्ट। नैक्सट सी पार्ट दे विच की आ अपने कोल 9 मीटर 220 सेंटीमीटर। अपने 9 मीटर का कंपैरिजन करना 27 सेंटीमीटर। हूँ देखो 9 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है कि 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर की कितनी हो जाएगी 900 सेंटीमीटर। तो हूँ 900 सेंटीमीटर का कंपैरिजन करना है अपने 27 सेंटीमीटर। इन आप 3 से कटांगे उरे आ जाऊगा 300, इनू कटांगे उरे आ जाऊगा 9, फिर इन 3 से कटांगे उरे आ जाऊगा 100, उरे आ जाऊगा 3। तो 100/3 बाकी रह गया अपने को, यह बन जूगा 100:3। ठीक है जी, तो इस तरीके आप जो सी पार्ट कंप्लीट हो गया। नैक्सट हैगा जी डी पार्ट। डी पार्ट के अपने को अपने कंपैरिजन करना है 30 डेज़ का 36 आर। 30 डेज़ का 36 आर तो पहले 30 डेज़ ने, हूँ आपको पता भी एक दिन के किन्ने घंटे होंगे ने, 24 घंटे। तो पहले आप डेज़ को आर के लेके जावे, तो 30 डे ने, तो एक दिन के किन्ने घंटे ने, 24 घंटे। तो इन गुणा करा 720 आर आ जाऊगा। तो यह 720 आर का कंपैरिजन करना अपने 36 आर, तो उरे लिखा आप 720H/36H कट जूगा जी। हूँ इनू आप कैंसल करा, ये 9 के पाठे दोनों कैंसल होंगे ने, 9 8 72 इच्छे लग जूगी 0 9 4 36। तो यह बन जूगा 80/4, अगे ये 4 के पाठे कैंसल हो जूगा, उरे आ जूगा 4 2 8 4 0 0, नीचे आ जूगा 4 1 4। तो 20/1 बन गया, इनू आप लिख सकते हैं कि 20:1। तो इन की रेशो कि आ गई, 20:1 मतलब कि 20:1। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट से 4 कंप्लीट हो गए, ये बेसिक क्वेश्चन सीगा। ठीक है जी, तो नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 करा हूँ आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, ये की है, इन ए कंप्यूटर लैब देर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडिड फॉर 24 स्टूडेंट। देखो जी का की मतलब है, पहला तो आप इस क्वेश्चन 2 तरीक़ों करा कि रेशो का कंसैप्ट है समझ आ जाए। इन्होंने कहा है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए हैं। ये कहता भी 6 बच्चों 3 कंप्यूटर की लोड़ है, पता करो अपने पता करना है कि 24 विद्यार्थियों के लिए किन्ने कंप्यूटर की लोड़ होगी। हाँ जी, देखो अपन 2 तरीक़ों करा, अपने को दिता हुआ भी 6 विद्यार्थी ने, 6 विद्यार्थी तो कंप्यूटर, ठीक है जी, उन्होंने 3 कंप्यूटर की लड़ पैंती है 6 विद्यार्थियों। इन्होंने पूछे कि 24 विद्यार्थियों किन्ने कंप्यूटर की लड़ पेगी, ये क्वेश्चन है जी अपने को। देखो आप रेशो में किमें सोल्व करते होंगे, ये सवाल है रेशो का। देखो आप मान लिया भी एक क्लास के हर बच्चे को 2 टॉफियां ने, हर बच्चे को 2 टॉफियां ने, एक बच्चा है तो वो को 2 टॉफियां हो, ठीक है जी, मैंने टी पाता टॉफी में, उड़े लिखता मैं बच्चे, उड़े लिखता मैं टॉफी। जो मान लो एक बच्चा क्लास तो वो को 2 टॉफियां हो, तो हर बच्चे को 2 टॉफियां ने, मान लो क्लास के 2 बच्चे ने, तो उन्होंने को कितनी टॉफियां होंगी, तुम नाल दी दस दोगे जी 4 टॉफियां होंगी। जे क्लास 3 बच्चे ने तो कितनी टॉफियां होंगी, 6 टॉफियां होंगी। हूँ देखो इस चीज़ का मीनिंग की होया, इस चीज़ का मतलब की होया भी जो अपने उरे एक कि गुणा करिए भी 2 आ जाए, आपको पता भी 2 गुणा करा तो 2 आऊगा, तो उरे भी कि गुणा हो गई अपने आप 2 हो गई, 2 2 4 मतलब कि जो अपने को पता भी एक बच्चे को 2 टॉफियां ने, तो जो अपने 2 पता करनिया ने, तो आप चेक किया भी एक गुणा की 2, तो इतने भी आप कि गुणा करती 2। हूँ तुम उरों देखो, आप मान लिया भी एक बच्चे को 2 हूँ पता करना आप 3 बच्चों को किनिया हो, जे आप 3 गुणा कर दीए तो इधर भी कि गुणा हो जाएगी 3, देखो 6 टॉफियां आ गई, बच्चे कि 3। तो इस तरीके आप जो कंपैरिजन है उसको सोल्व कर सकते हैं। अगे देखो जी,
तो हुण इस क्वेश्चन दे विच की सी अपने कोल उरे किन्ने विद्यार्थी सीगे 6 विद्यार्थी उन्हां कोल किन्ने कंप्यूटर सीगे 3 कंप्यूटर सीगे तो हुण पता करना है उन्हां नूं 3 कंप्यूटर की लोड़ सी जे हुण कहिंदा 24 विद्यार्थी हो जाणगे उन्हां नूं किन्ने कंप्यूटर की लोड़ होगी। तो देखो जी तो हुण 6 नूं किहदे नाल गुणा होई भी है भी 24 आ जाए 4 नाल तो 3 नूं भी किहदे नाल गुणा होजू भी आप 3 नूं भी 4 नाल गुणा कर दांगे सेम किन्ना आ जाऊगा 12 मतलब कि 24 बच्चों 12 कंप्यूटर की लोड़ पेगी। तो होर देखो जी जे आप इस तरीके देखिए भी 6 का उरे अद्ध किया होया हाफ किया हो 6 का अद्ध कि होता 3 तो 24 का अद्ध कि हो गया 12 तो आप इस पोर्शन भी इस तरीके सोल्व हाँ जी तो आप इस तरीके कर सकते हैं। तो एक गल होर देखो हूँ देखो जा फिर आप इस क्वेश्चन में एवं करना पेगा भी 6 विद्यार्थियों 3 कंप्यूटर की लोड़ है मतलब कि 6 विद्यार्थियों 3 कंप्यूटर की लोड़ है एक विद्यार्थी का पता कर लो तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाऊ मतलब कि एक विद्यार्थी 3/6 इनू आप सोल्व करा 1/2 कंप्यूटर की लोड़ रह जूगी मतलब कि एक विद्यार्थी लिए 1/2 कंप्यूटर चाहिए ने। तो 24 विद्यार्थियों वास्ते किन्ने होंगे तो 1/2 × 24 तो 2 × 2 = 12 × 24 तो 12 कंप्यूटर इस तरह के निकल जाएंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन करन वास्ते बहुत तरीके ने पर जिहड़ा रेशो वाला तरीका आप यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन नाल बहुत वधिया तरीका है वो भी उरे भी 4 नाल गुणा होगी उरे भी 4 नाल गुणा कर दो डायरैक्ट आंसर आ जाऊगा अपने कोल 12 या फिर आ चीज़ ये तो अद्ध च होगी तो आ भी चीज़ ये अद्ध च हो जाऊगी। ठीक है जी तो आप इस तरीके नाल क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया इनू कर सकते हैं। आप अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 च की है अपने कोल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान अपनू राजस्थान की जनसंख्या दे रखी है किन्नी हैगी 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी वो किन्नी है 1660 लाख एरिया अपन दे रखे राजस्थान का 3 लख किलोमीटर वर्ग एरिया यूपी का किन्ना दे रखे अपन 2 लख किलोमीटर वर्ग आऊगा उरे भी 2 लख किलोमीटर वर्ग तो की पूछे इन्होंने हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ स्टेट विच स्टेट इज़ लैस पॉपुलेटड। तो पहला आप क्वेश्चन का पंजाबी मीनिंग समझा सारा फिर आप सोल्व करते हैं। देखो जी की है ये राजस्थान की किन्नी जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या दे रखी आप 570 लख तो उत्तर प्रदेश की किन्नी जनसंख्या 16 लख वैसे जो आप गल करिए जनसंख्या कि वध है राजस्थान की सॉरी उसे 16 लख नहीं है ये शायद 1660 लख है 1660 लख ठीक है जी उरे थोड़ी जी मिसटेक है। तो अगे इस तो बाद की है अपने को कहिंदा एरिया किन्ना है उहदा राजस्थान का 3 लख किलोमीटर वर्ग तो यूपी का खेत्रफल किन्ना हो गया एरिया मतलब उहदा खेत्रफल किन्ना 3 लख किलोमीटर वर्ग उत्तर प्रदेश का किन्ना 2 लख किलोमीटर वर्ग तो हुण इन्होंने पूछा कहिंदा हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ स्टेट कहिंदा 1 किलोमीटर वर्ग खेत्रफल दे विच किन्ने लोग रहिंदे ने मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग दे विच किन्ने बंदे रहिंदे ने। तो हुण देखो जे आप इन देखांगे भी राजस्थान की जनसंख्या किन्नी है कि 570 लख जेडे 570 लख लोग ने किन्ने एरिए दे विच ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 570 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 1 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਬੋਤਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 2 ਲੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 570 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 570 ਲੱਖ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 570 ਲੱਖ ਬਟੇ 3 ਲੱਖ
उरे 570 लाख आना सी, ठीक है जी। तो लख ना लख कट जूगा, 570 बटे 3 कर देंगे, 3 एकम 3 दो सत्त 27 बच गया, 3 9 27 0, मतलब उरे 570 नूं आपां 3 दे भाग कीती है, ठीक है जी, तो 190 आ गया। मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग के एरिया दे विच किन्ने लोग रहिंदे ने, 190 लोग रहिंदे ने। ये आपां ने कीती पता कर ली राजस्थान की। हुण आपां एवी पता करांगे यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो हुण यूपी का की सीगा, उत्तर प्रदेश का की सीगा, जनसंख्या किन्नी सी, 1660 लाख, 1660 लाख जनसंख्या। इन्हां दा एरिया किन्ना सीगा, 2 लख किलोमीटर, 2 लख किलोमीटर दे एरिए दे विच इन्नी जनसंख्या रहिंदी सी। आपां पता करना 1 किलोमीटर वर्ग च किन्नी रहूगी, 1660 लख बटे 2 लख, तो लख नाल लख कट जूगा, इहनूं भाग कर दांगे 100, तो इत्थे आ जूगा 16 2 ते भाग करे 8, 6 2 ते भाग करे 3 2 0 0, 830 लोग। मतलब कि 1 किलोमीटर दे विच 830 लोग रहिंदे नेगे। तो हुण आपां ने इन्हां की पुछा सी, इन्हां ने अपने तो कहिंदा दोहां दे विच पता करो वी 1 किलोमीटर वर्ग दे विच किन्ने व्यक्ति रहिंदे ने, उह आपां ने दोहां दा पता कर लिया। हुण आ गया जी बी पार्ट, विच स्टेट इज़ लैस पोपूलेटड, कहिंदा किहड़ी स्टेट लैस पोपूलेटड है, मतलब कि जिथे 1 किलोमीटर एरिए दे विच गिनती घट है, इत्थे किन्नी आई सीगी, 190 लोग रहिंदे सी 1 किलोमीटर एरिए दे विच, ते यूपी च किन्ने आ गए सी, 830 आ गए। हुण वध गई च ने यूपी दे विच, ते फिर यूपी की हो गया, ज़्यादा पोपूलेटड एरिया हो गया। तो आपां लिखांगे राजस्थान इज लैस पोपूलेटड, राजस्थान जिहड़ी घनता हुंदी है आबादी वाली, संघनी आबादी, राजस्थान घट संघनी आबादी वाला है। संघनी का मतलब की है, उरे जे एक डब्बे दे विच 4 टॉफियां ने, तो 1 डब्बे दे विच 3 टॉफियां ने, ता एदे विच पैकिंग ज़्यादा बड़ी होगी। तुसी सपोज करो संघने का मतलब की हुंदा, 1 डब्बा ए 4 टॉफियां रखती, 1 डब्बा होर है ये सिर्फ अपन रखी 3 टॉफियां, तो हम देखो ये स्पेस किन्नी ज़्यादा है, ये संघना घट होया, ये संघना वध होया। जिथे एक ही जगह ज़्यादा लोग रहते हो ज़्यादा संघना एरिया हो जूगा, ठीक है जी। इस तरह जो राजस्थान है वह घट संघना एरिया हो गया, तो यह आंसर आ जूगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी अपना, कि क्वेश्चन नंबर 4 करांगे आपां, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अपनी एक्सरसाइज 8.1 जी रेशो है राशियों की तुलना, कंप्लीट होंगी है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में 2-3 बार देखो, तो अपने दोस्तों शेयर करो। थैंक यू।